आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संयुक्त रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। आइए हम अपनी स्टफिंग बनाना रेडी करते हैं। पहले सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हम पहले ब्रेड रोल करेंगे, उसके बाद इसमें तेल डालेंगे, सरसों का तेल फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक होता है और हेल्दी भी होता है। इसी को यूज करें तो ज्यादा बेटर है, ये आपके पास नारियल का तेल हो। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, हम सबसे पहले डालेंगे राई, थोड़ा सा सरसों, ये एक छोटी चम्मच जीरा, इसके बाद फ्रेंड्स हम हरी मिर्ची डालेंगे दो बड़ी काट के, और इसी में हम प्याज डाल देंगे। तो दो बड़ी प्याज हमने काट लिया है, हमारी प्याज हमें ज्यादा पकाना नहीं है, इसको ब्राउन नहीं करना, हल्की हल्की हो जाए। फ्रेंड्स हम इसी में थोड़ा सा सफेद तिल ले लेंगे, एक टीस्पून। इन सबको हम अच्छे से पहले भून लें, और ब्राउन नहीं करना हमें, हल्का सा सेकना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा देखो प्याज हो गया है बढ़िया, और उसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे एक टेबल स्पून, और इसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी लहसुन, उसको हल्का सा हमने दरदरा कूट लिया है। लहसुन इसलिए फ्रेंड्स हम बाद में डाल रहे हैं, जिससे इसकी खुशबू बढ़िया आए और इसका स्वाद भी बढ़िया दिखे। बाद में शुरू में डालने से क्या है, ऑब्जर्व हो जाता है थोड़ा सा, अभी ये तो इसका टेस्ट पता चलेगा कि हमने लहसुन डाला है। अब अपने मसाले डालेंगे, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, नमक भी फ्रेंड्स हम अभी डाल लेते हैं एक टीस्पून, स्वाद अनुसार अमचूर पाउडर एक टीस्पून, गरम मसाला एक छोटी चम्मच, हल्दी एक टीस्पून। हमारे मसाले भी लगभग हो गए हैं। अब ये हम अपने जो हमने पांच बड़े आलू खोल लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अब इनको इसमें डाल देंगे। गैस को हम स्लो कर देते हैं थोड़ा सा, और अपने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब अपने आलू को अच्छी तरह से इसको मसल लेते हैं। इसको फ्रेंड्स हम इसको इस मिक्सर की मदद से इनको मसल लेते हैं, इसी में हमारे आलू सब एकदम मिक्स हो जाए सारे मसाले भी। इसकी मदद से बढ़िया देखो सारे आलू मिक्स हो गए। अब हमने आलू मसल लिया इस मिक्सर से, हम इसको थोड़ी देर ऐसे रहने देते हैं।
हमारा ये आलू बढ़ने से मैश हो गया है। अब हम इसमें हरी धनिया डाल देते हैं और गैस को बंद कर लेते हैं। अभी हमारा आलू हो गया है, स्टफिंग एकदम तैयार है हमारा। अब हम इसको ब्रेड में ब्रेड रोल बनाने जा रहे हैं, तो ब्रेड में भरने तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट को हम प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपना ब्रेड तैयार कर लेते हैं इसे रोल के लिए। सबसे पहले हम ब्रेड को ये किनारे का इसका ब्राउन भाग जो है ये सब काट के निकाल देंगे, अच्छे से इसको काट के निकाल देंगे। पर ये कटा हुआ इनको वेस्ट नहीं होना है, इनको आप ब्रेड क्रम्स बना के रख लेना सुखा के पाउडर, ये भी हमारे बहुत काम आते हैं। ये हमने निकाल दिया, तो ऐसे ही हम सब ब्रेड को निकाल के रख देंगे, ऐसे ही सब ब्रेड के किनारे का भाग। ये हमने सब के देखो ये काट के रख लिए हैं बढ़िया। अब हम इसमें अपना स्टफिंग भरना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसको एक बर्तन में पानी ले लेंगे प्लेट में और इसको फटाफट इसको गीला कर लेंगे, ज़्यादा देर रखना नहीं है। उसके बाद हमें सारा पानी बढ़िया दबा दबा के निचोड़ लेना है, इससे इसमें पानी न रह जाए और हमारा ब्रेड भी सॉफ्ट हो जाए। देखिए एकदम गीला हो गया, हमने सारा पानी निचोड़ लिया। अब हम अपने इसमें स्टफिंग भरेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा छोटा ब्रेड हो तो कम कम भरना, बड़ा हो तो थोड़ा ज़्यादा भर सकते हैं। अब हम इसको ऐसे दोनों साइड में कर लेंगे, इसको फोल्ड करते हैं दोनों साइड में, इसको दबा के इस दोनों साइड से जॉइंट जोड़ देते हैं और इधर का भी ऐसे जोड़ लेते हैं बढ़िया। और हम इसको अच्छी तरह ऐसे से करके चिपका देते हैं अच्छे से, जिससे हमारा ये टूटे ना। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। आप इसको चाहे तो गोल भी कर सकते हैं और ऐसे ही आकार में भी ले सकते हैं। अब इसको हम तलते हैं, ऐसे सब बना लेते हैं उसके बाद हम तलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको सबको अच्छे से बना लिया है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। हम गैस ऑन करेंगे सबसे पहले, पैन में तेल डालेंगे, सरसों का तेल। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके अपने रोल डालते जाएंगे। एक एक करके इन सबको डाल देंगे। अब हमारा ये बढ़िया बन के रोल तैयार हो गए हैं, तो इससे ज़्यादा कर देंगे तो ये जल जाएगा। बहुत अच्छा और क्रिस्पी बना है, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बाहर से सॉफ्ट। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये ब्रेड रोल तैयार हो गए हैं बढ़िया, और ये कितना बढ़िया एकदम, देखिए फ्रेंड्स एकदम एकदम कुरकुरी सी क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही अच्छे अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, अंदर सॉफ्ट बाहर से सख्त, इतना बढ़िया। आप सब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना है। आप ज़रूर इसको ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।